अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टाइम GFX। आज की जो हमारी वीडियो है, मैं आपको एक छोटी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि अब तो बहुत एंटीक चीज़ लगती है और किसी ज़माने में, खैर ज़माना दुनिया में इतना अरसा भी नहीं गुजरा, 2014-15 इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन उस दौर में ये डिवाइस बहुत कमाल की डिवाइस थी। तो आपको दिखाते हैं वो डिवाइस क्या है। ये iPhone 5 ग्रे कलर में है, कंडीशन बहुत अच्छी है। और मैं बताऊँ, ये डिवाइस मैं अभी जब मैंने इसको देखा, और बड़ा छोटा साइज़ और इतनी स्लिम सी डिवाइस, अभी एप्पल को देख के लगता है कि एप्पल में भी वो मोटापा और पता नहीं क्या कुछ आ गया जो कि नहीं आना चाहिए। मतलब एक दौर में बड़ी क्लास थी, ये क्लास थी। iPhone 4 के बाद iPhone 5 एक क्लास थी, 5S बहुत अच्छी डिवाइस थी, और ये अभी चालू डिवाइसेस हैं। मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी डिवाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी डिवाइसेस हैं। और मज़े की बात मैं बताऊँ, जितने भी वीवो ओप्पो की मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं ना, 64 GB में या 4 GB रैम में, 6 GB रैम में, ये डिवाइस उनसे ज़्यादा चलने में स्मूथ है, अभी भी स्मूथ है 2023 में। ये डिवाइस 7-8 साल पुरानी होने के बावजूद, और जो इसका साउंड है सर, क्या कहने। मैं आपको बताऊं कि मुझे पर्सनली ये डिवाइस बहुत पसंद है। और एक चीज़ और मैं आप बता दूं कि अभी ये नॉन पीटी डिवाइस है, नॉन पीटी ये डिवाइस आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक छोटा फ़ोन रखना चाहते हैं अपने साथ, अच्छा बहुत से ऐसे एक मशवरा मैं आपको दूं, जिन लोगों के पास आईफोन है और वो नॉन पीटी है, तो उन्हें चाहिए वो एप्पल iPhone 5 लें। जैज़ डिजिट की निस्बत मुझे ये बेहतर लगता है। ये आपको 32 GB में मिल जाता है, 16 GB में भी आप ले सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर अपना डाटा भी रख सकते हैं, चलाने में बहुत सिक्योर है। केबल आपको एक ही कैरी करना पड़ेगा, पावर बैंक आप मोस्टली लोगों को रखना पड़ता है, जाहिर सी बात है एप्पल वालों को पावर बैंक रखना पड़ता है। तो ये डिवाइस सर आपको हॉटस्पॉट का काम भी दे सकती है, और आपको अगर वो आपकी डिवाइस बंद होती है तो बैकअप पर भी काम दे सकती है, और ये डिवाइस आपको कैमरा के तौर पर भी काम दे सकती है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कैमरा। मतलब ये डिवाइस एक बहुत अच्छी डिवाइस है। नॉन पीटीए ये डिवाइस आपको 4 से 5 हज़ार के दरमियान मिल जाती है, और पीटीए में 8-8.5 तक अच्छी कंडीशन में ये आपको डिवाइस मिल जाती है। और मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, ये डिवाइस चलने में बहुत बेहतरीन, बहुत स्मूथ है। और ख़ासकर अगर आप यूट्यूबर हैं और कहीं पर आपको अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है, तो एज ए ऑडियो रिकॉर्डर सर बहुत अच्छी डिवाइस, ऑडियो रिकॉर्डर के तौर पे बहुत अच्छी डिवाइस, कैमरा के तौर पे भी गुजारा लायक, मतलब वीवो ओप्पो की नस्बत बहुत बेटर डिवाइस है, मैं इसे रिकमेंड करूँगा। और अगर आप जैज़ डिजिट की नस्बत इसको यूज़ करते हैं, तो ये क्लास है। आप एप्पल के साथ एक लोकल कंपनी यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप इसको यूज़ करें, ये क्लास है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।